भागलपुर लोकसभा सीट से अजय मंडल ने 1,06,046 वोट से जीत दर्ज की है। अजय मंडल ने कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा को करारी शिकस्त दी है। मंगलवार को भागलपुर के बरारी स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज में वोटों की गिनती हुई, जहां 6 अलग अलग विधानसभा में प्रत्येक विधानसभा पर 14-14 टेबल बनाए गए थे। कुल 26 राउंड में वोटों की गिनती पूरी हुई। इसके बाद अजय मंडल ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस उम्मीदवार अजीत शर्मा को पटकनी दी है। सुबह 8 बजे से शुरू हुई वोटों की गिनती में जदयू प्रत्याशी अजय मंडल शुरुआती दौर से ही बढ़त बनाए हुए थे। धीरे धीरे यह आंकड़ा बढ़ता चला गया और देर शाम तक जीत का अंतर 1,00,000 से पार हो गया। वहीं अपनी हार के बाद कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा मतगणना केंद्र से मायूस होकर वापस लौटे। इस दौरान अजीत शर्मा ने कहा कि भागलपुर की जनता ने उन्हें काफ़ी वोट दिया है और वह उसका आभारी भी हैं। उन्होंने कहा कि शहर की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए 5 किलो राशन में डाइवर्ट हो गई, जिसके कारण उनकी हार हुई है। अजीत शर्मा ने कहा कि बिहार में शिक्षा की व्यवस्था बदहाल है, जिसके कारण लोग आज भी मूर्ख बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि वह वर्तमान में भागलपुर का विधायक हैं और विधायक रहते ही वह शहर का सर्वांगीण विकास करेंगे। उन्होंने काम तो छोड़िए, कल मिलने तक नहीं आए, लेकिन आज जो रिजल्ट हुआ है, पर रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन अभी काउंटिंग सारे काउंटिंग खत्म हो गया है। निश्चित तौर पर वो जो जदयू के उम्मीदवार हैं NDA गठबंधन के, वो जीत रहे हैं चुनाव। तो जनता निर्णय ली है, अब जनता समझेगी विकास 5 साल में क्या और आगे क्या होगा। मैं जो भागलपुर में विधायक हूँ और जनता ने मुझे बना के रखा है, मैं तो यहाँ काम कर रहा हूँ। चूक कुछ नहीं हुई है, वो 5 किलो नहीं। देखिए यूपी में क्या इंडिया गठबंधन क्यों जीत रही है, वहाँ पढ़े लिखे लोग हैं। यहाँ पर शिक्षा के मामले में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिल्कुल शिक्षा किसी को नहीं दिया, जिसके चलते लोग शिक्षित नहीं हैं। 5 किलो अनाज के चक्कर में हमको लगता है कि मोदी जो दिए हैं उसमें लोगों को वोट दे दिए हैं, जो कि जनता बोली नहीं, लेकिन मुझे माहौल तो मेरे पक्ष में था। ऐसे निर्णय जनता का है, उसको मैं सलाम करता हूँ। वहीं अपनी जीत के बाद जदयू प्रत्याशी अजय मंडल ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि यह जीत मुख्यमंत्री के विकास की जीत है, यह जीत भागलपुर के जनता की जीत है और उन्होंने जो विकास का कार्य किया है उसके बदले जनता ने उन्हें दोबारा सांसद बनाया है। उन्होंने बताया कि वह भागलपुर की जनता के उम्मीद पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे और भागलपुर को सुंदर और विकसित बनाएंगे। भागलपुर की जनता ने आपके सर पर ताज पहनाया, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? भागलपुर की लोकसभा की जनता। इस बार जो वोट जीतने का मार्जिन है वो थोड़ा कम रहा है, पिछली बार की तरह नहीं। वोटिंग प्रतिशत भी कम हुआ गर्मी के कारण, गर्मी बहुत था वोट के समय, इसके लिए बहुत वोटिंग प्रतिशत कम हुआ। जब वोट ही कम गिरेगा तो मार्जिन तो कम ही हो जाएगा ना। जनता ने पर जो भरोसा आप पर दिखाया है, क्या वजह लगती है आपको? जनता ने एक बार ने दोबरा करके भरोसा हम पर किया। हाँ। तो जनता का 2019 के बाद जो उनके भरोसे पर मैं खरा उतरने का काम किया, इसीलिए दोबरा करके आशीर्वाद दिया, फिर हम खरा उतरने के तबरा करके आशीर्वाद देगा, जनता का काम करेंगे, जनता आशीर्वाद देते। हम जनता भागलपुर के लिए क्या क्या प्राथमिकता होगी आपकी? भागलपुर की प्राथमिकता सबसे पहले हवाई जहाज होगा और उसके बाद जनता का आदेश ही प्राथमिकता है। तो सरकार में क्या इस बार कैबिनेट में भी आप जाने की उम्मीद है? हम पार्टी के सेवक हैं, निर्णायक नहीं। जनता को हम बधाई देते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि आपने पुनः अपना सेवक चुन लिया, मेरे कंधे पर अपना पाला रख दिए हैं। अब जिधर जोतिएगा हम बढ़िया जोतेंगे, सोमवार सोमवार सब करेंगे, लेकिन करेंगे, वो पीछे नहीं हटेंगे। पाला नहीं दे रहे, इस बार इंडिया कह रहे थे इस बार 240 से नीचे रह जाएगी। अच्छा एक बात बतावें, हमारे यहाँ भी एक नेता है, वो होता क्या है कि जैसे को तैसा ही दिखाई देता है। हमारे लोकसभा में एक नेता हैं जो दुनिया को वैसे कहेंगे, लेकिन हकीकत उनका स्थिति वही है। और आप देखिएगा
रोड पर कोई शराब पी करके नाली में गिर जाएगा तो अपनों दोष नहीं देता कि हम शराब पी करके नाली में, वो कहेगा कि साला रोडे पर नाली बना दिया, ये स्थिति है। तो विपक्षी को क्या दिखाई देगा, यही सब दिखाई देता, जहां वो है वो अपनों बता रहे थोड़े। भागलपुर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मंगलवार को मतगणना शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई। इस दौरान मतगणना केंद्र के बाहर धारा 144 लागू रही। वहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से मतगणना केंद्र में प्रवेश करने से पहले सभी कर्मियों की गहन जांच की गई और जांच के दौरान कर्मियों के मोबाइल सहित डिजिटल उपकरण को जमा करा लिया गया। भागलपुर डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि मतगणना केंद्र पर 3 लेयर में सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी जिससे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। डीएम ने कहा कि जीत के बाद कोई भी प्रत्याशी विजय जुलूस नहीं निकालेंगे, इसको लेकर सभी प्रत्याशी को हिदायत भी दी गई है। आप अवगत है कि 6 विधानसभा है और 6 विधानसभा में बूथ की संख्या अलग अलग है। हम लोग एक विधानसभा में, प्रत्येक विधानसभा में हम लोग 14 टेबल लगाए हुए हैं, तो जो निर्वाचन आयोग का निर्देश है उसका अनुपालन करते हुए शीघ्रातिशीघ्र और जितनी जल्द हो सके उसको विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए उसको पूर्ण करेंगे और मतगणना की प्रक्रिया 8 बजे से हमारी शुरू हो जाएगी। अभी पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू होगी, उसके बाद हम लोग ईवीएम की काउंटिंग शुरू करेंगे आधे घंटे के बाद। शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराया गया था, मतगणना भी पूरी तरह शांतिपूर्ण। आप देख रहे होंगे कि इस स्ट्रांग रूम में भी 3 लेयर में सिक्योरिटी फोर्स है, साथ ही स्ट्रांग रूम के बाहर और सड़कों पे भी आप हमारे देख रहे होंगे कि मजिस्ट्रेट हैं, पुलिस अधिकारी हैं, पुलिस बल है और शहर में भी हम लोग और सादे लिबास में भी अधिकारियों को और पुलिस बल को हम लोग तैनात किए हुए हैं, हम लोगों को नज़र है। दूसरी बात कि विभिन्न जो प्रत्याशी हैं, अभ्यर्थी हैं, उनसे भी हम लोगों ने फीडबैक लिया है कि कहीं उनको कोई आशंका हो, किसी भी बात हो तो आप हमें फीडबैक दे सकते हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से। सर, किसी तरह के जुलूस जीत के बाद निकालने पर प्रतिबंध लगाया गया है? बिल्कुल, वो प्रतिबंध है क्योंकि अभी धारा 144 लगी हुई और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, तो उसमें भी विजय जुलूस।